तो दोस्तों सामने आपका उस साइड है केदार घाट, ये है गंगा नदी अपने बनारस का, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और अभी मैं हूँ आपके वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर। ये है आपका हरिश्चंद्र घाट का नज़ारा कुछ इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में देखिए यहाँ पर एक शव जल रहा है आपका उस साइड, वो देख रहे हैं एक बंदा है जो कि लकड़ी लेकर खड़ा है वहाँ पर, शव को जला रहा है। और ये जो देख रहे हैं ये है आपका गेल इंडिया द्वारा बनाया गया आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शव जलाने का बना हुआ सिस्टम, ऊपर चिमनी भी देखिए लगा हुआ है। और ये आपका हरिश्चंद्र घाट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड आपका लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये है नज़ारा कुछ इस प्रकार। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शव जो जलता है वो आपका जलता है मणिकर्णिका घाट पर। यहाँ पर देख रहे हैं सन्नाटा पसरा हुआ है इस घाट पर। ठीक है, और यहाँ पर एक सामने आप देख पाए, ये देख रहे हैं ये जो आपका राख जो एकत्रित किया गया है, ये राख को ये लोग क्या करेंगे, जो मृतक के शरीर में जो आपका सोना चांदी जो भी आपका अंगूठी या फिर कान में जो पहने हुए होते हैं तो उसी में वो मिक्स हो जाता है। वो लोग क्या करेंगे, गंगा नदी में उसको धोएंगे। ठीक है, धोने के बाद जो आपका जो नीचे जो बैठा रहेगा जो मटेरियल गढ़ू, तो उसी में जो सोना चांदी रहेगा उसे वो लोग निकालेंगे। ठीक है, उसे फेंकेंगे नहीं वो। चलिए तो मैं आपको चारों तरफ से घुमाकर आपको हरिश्चंद्र घाट का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बैठने के लिए व्यवस्था बना हुआ है, डस्टबिन कूड़ा का बाड़ देखिए इस साइड पूरा फेंका हुआ है, साइड भी आपका है बैठने के लिए व्यवस्था बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि देखिए शव जलाने के बाद जो यानी कि मोहल्ले के लोग या फिर जो उनके साथ जो आते हैं, ठीक है, और वो लोग देखिए कहाँ स्नान करते हैं, मैं उसे भी मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू थोड़ा बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये बाहर आपका चला जाएगा यानी कि सोनारपुरा के लिए आप चले जाएंगे। ये देखिए ये जो मंदिर है ये आपका है महाराजा हरिश्चंद्र मंदिर, देख रहे हैं। इस साइड देखिए आपका एक हवन कुंड है, ऊपर एक शिवलिंग है। ठीक है दोस्तों, माँ बागेश्वरी देवी जी का प्रतिमा है सामने। आगे बढ़ने पर वहां पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि हरिश्चंद्र घाट के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, शाम के समय यहाँ पर भी आपका गंगा आरती होता है हरिश्चंद्र घाट पर। और यहाँ पर महादेव जी का प्रतिमा है सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो शव जलाने के बाद जो मृतक के परिवार के लोग जो रहते हैं उन्हीं के साथ जो मतलब कि गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार के लोग, यानी वो जो लोग आते हैं तो उनके साथ जब यानी कि पूरी तरह से जब बॉडी जब जल जाता है वो, उसके बाद वो लोग अपना स्नान करते हैं। तो स्नान करने का मैं वह स्थान भी आपको दिखा रहा हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये देखिए ये जो देख रहे हैं ना ये आपका है हनुमान घाट। देख रहे हैं ये लोग, अब आपको बता देते हैं कि ये जो लोग देख रहे हैं ये लोग मृतक के परिवार के ही मोहल्ले के ही लोग आए हुए हैं जो कि सामने स्नान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यह जो घाट का नाम है ये आपका है हनुमान घाट, ये देख रहे हैं। शव जलाने के बाद यहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं, जिस प्रकार मणगंगा घाट पर शव जलाने के बाद आपका क्या कहते हैं सिंधिया घाट पर आपका स्नान करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर, ये देख रहे हैं। और जिन्होंने जो यानी कि आग दिया है यानी जो शव को जलाते हैं वो देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, तो ऐसे मालूम चल जाएगा आपको। ये देख रहे हैं गंगा नदी में जा रहे हैं जो वाइट कलर का, ये देख रहे हैं एक कोई
एक लोटा लिए हुए हैं जो कि गंगा नदी में जा रहे हैं अंदर से। ठीक है, देख रहे हैं सामने नीचे, ये मेरा उंगली आपको दिख रहा होगा वही है। और यहाँ पर भी देखिए बहुत से लोग हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं। ये जो घाट है ये आपका है दंडी घाट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पीपल का पेड़ है दंडी घाट पे। और वो जो देख रहे हैं वो आपका है चेत सिंह घाट। तो दोस्तों यह था नज़ारा अपने वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट का नज़ारा। तो चलिए आपको ऊपर लेके चलना है, यानी कि जहाँ पर आपका प्राकृतिक गैस यानी इलेक्ट्रिक माध्यम से जो सब को जाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये सीढ़ी के माध्यम से आप सोनारपुरा के लिए चले जाएंगे। ठीक है, इस साइड पर देखिए एक मंदिर है, और देखिए जाने का जो रास्ता है ये देख रहे हैं प्राकृतिक गैस सौता गृह नगर निगम वाराणसी के इंडिया लिमिटेड हरिचंद घाट वाराणसी। ये आपका बाहर निकल जाएगा, और इस रोड पे भी आपको कई सारे दुकान मिल जाएंगे लकड़ियाँ की, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस साइड। ठीक है, उत्तर प्रदेश जल निगम हरिश्चंद्र घाट सीवेज पंपिंग स्टेशन है आपका। आपका सुलभ शौचालय देख रहे हैं, और ये जो सीधे रास्ता है ये आपका चला जाएगा सोनारपुरा होते हुए। एक रोड है जो कि आपका दाहिने साइड वाला रोड दशाश्वमेध घाट के लिए, बाएं साइड वाला रोड बेचू के लिए, ये जो है ये हनुमान घाट के लिए चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।